नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं ललित कुमार शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल कारपेंटर ललित पर। दोस्तों जैसे कि आप अभी हमारे चैनल पर देख सकते हो कि लर्न कारपेंटरी की जो सीरीज चल रही है वो आप अच्छे से देख रहे होंगे। यहाँ पर ये एपिसोड चौथा है और इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि फेविकोल को किस तरीके से लगाया जाता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग यह समझेंगे कि यार फेविकोल के बारे में ये क्या बातें कर रहे हैं, फेविकोल तो सबको लगाने नहीं आता है। दोस्तों फेविकोल लगाने में ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि न्यू कारपेंटर होते हैं जैसे कि आप, क्योंकि आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप अभी अभी कारपेंटरी ज्वाइन की हो या फिर कारपेंटरी सीख रहे हो। तो न्यू कारपेंटर क्या करते हैं कि जो फेविकोल लगाते हैं वो फेविकोल बहुत ही ज्यादा बाहर निकालते हैं, चाहे धार पट्टी पे हो गया या फिर प्लाई के ऊपर हो गया, बहुत ही ज्यादा फेविकोल को बाहर निकालते हैं। तो आज हम आपको एक दो ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि फेविकोल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है और आसानी से लग जाता है। तो गाइस शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि फेविकोल लगाना कुछ बड़ी बात नहीं है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मेरा न्यू आना ये मेरा नया कारीगर है, यानी कि अभी इसको 2 या 3 दिन ही हुए और अभी तक इसने 1 या 2 पट्टी पे ही फेविकोल लगाया होगा। तो इससे हम फेविकोल लगा के आपको पहले दिखाएंगे कि क्या गड़बड़ होती है, उसके बाद ही मैं आपको समझाऊंगा कि फेविकोल अच्छे से किस तरीके से लगाया जाता है। जब ये फेविकोल लगाएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होती है, शायद आपने लगाए हैं या फिर नहीं लगाए, शायद इसके साथ जो सेम प्रॉब्लम है वही शायद सेम टू सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी हो। सो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो कि ये इतना सारा यहाँ पर ये फेविकोल बाहर निकला है और ऐसा नहीं है कि इन्होंने जानबूझ के निकाला है क्योंकि इनको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है इस चीज की, तो इतना सारा फेविकोल बाहर निकला है। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि जब हम ग्राइंडर मारते हैं तो किस तरीके से ग्राइंडर का जो पत्ता है वो खराब हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ग्राइंडर से हम जब फिनिशिंग करते हैं तब पूरा पत्ता होता है वो बिगड़ जाता है और जैसे कि आप ये देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का जो ग्राइंडर का पेपर होता है वो देख सकते हो, ये पूरा का पूरा फेविकोल ही लगाए, तो ज्यादा फेविकोल लगाते हैं तब यह प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि किस तरीके से फेविकोल लगाना चाहिए और वही तरीका है फेविकोल लगाने का। तो दोस्तों सबसे पहले अभी आप देख सकते हो कि फेविकोल मैंने नहीं लगाया, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरीके से लगाया जाता है। अब यहाँ पर फेविकोल होगा तो आपको एक प्रैक्टिस करनी है, ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है ऐसे करना है, ऐसे करना है ऐसे करना है, ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आप खाली बैठे हो तब भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अगर यह प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आप फेविकोल एकदम अच्छे से तरीके से लगा पाओगे। अभी मैं आपको स्लोली स्लोली बताता हूँ कि किस तरीके से लगाया जाता है। तो आपको आपने जैसे सबसे पहले ये यहाँ पर जो फेविकोल हमने यहाँ से जो फेविकोल हमने यहाँ से इस तरीके से लिया उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से पहुंच डाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने इस तरीके से किया, ये इस तरीके से किया, फिर यहाँ पर ऐसे खींचा, ऐसे लिया ऐसे खींचा, ऐसे लिया ऐसे खींचा, ऐसे लिया ऐसे खींचा। अब दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने शुरू में ये जो फेविकोल यहाँ पे लगाया, शुरू में हमने जो यहाँ पे फेविकोल लगाया इसको हमने थोड़ा सा आगे लिया, फिर उसको इस तरीके से वापस इस पे जो एक्स्ट्रा था उसको हमने यहाँ पर इकट्ठा किया, फिर जो इकट्ठा फेविकोल था उसको हमने आगे लिया, फिर ये देख सकते हो जैसे ये फेविकोल इकट्ठा हो गया इसको वापस हमने पहुंचा, फिर इसको आगे लिया, फिर इसको पहुंचा, फिर इसको आगे लिया। अब दोस्तों यहाँ पर अभी अभी तो मैंने कम कम फेविकोल लगाई पर बट बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। अब यहाँ पर एक ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप जब भी इस तरीके से फेविकोल को साफ करते हो तब इस धार पे पट्टी को इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करते हैं तो ही फेविकोल बाहर निकलता है। आपको इस तरीके से तब करना है जब एकदम से थोड़ा थोड़ा फेविकोल आप जब इस तरीके से लेते हो तब लेना है, फिर जो इस तार पे आप इस पट्टी को वापस से घिसोगे तब इसको क्रॉस रखना है इस तरीके से, इस तरीके से क्रॉस रखे इस तरीके से आप करोगे तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और ये इजीली एकदम फेविकोल आपको ऐसे लेना है फिर पहुंचना है, फिर लेना है फिर पहुंचना है, फिर लेना है फिर पहुंचना है, इस तरीके से आप एकदम अच्छे से फेविकोल लगा पाओगे। फिर जो लास्ट में जो बच जाता है उसको भी आप इस तरीके से कवर कर सकते हो, इस तरीके से हमने पहुंचा और इस तरीके से लगाया, तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है, खींचा फिर पहुंचा फिर खींचा, इस तरीके से ये वाली आपको प्रैक्टिस करनी है। इस साइड में आपको ये हाथ इस तरीके से क्रॉस रहना चाहिए। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं किस तरीके से फेविकोल लगाता हूँ, इस तरीके से फेविकोल लेता हूँ और फिर इस तरीके से लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये इतना स्पीड से यहाँ पर फेविकोल लग गया, बिल्कुल भी कहीं पर भी कुछ बाहर नहीं निकला है, तो ये इस तरीके से फेविकोल लगाया जाता है। सो गाइस ये जो प्रॉब्लम आई यहाँ पर हमने फेविकोल लगाया था वो बाहर निकला, ये सिर्फ धार पट्टी पे लगाते तभी नहीं आती, जब हम कुछ बड़ा पीस लगा रहे होते तब भी जो फेविकोल होता है वो चारों साइड में निकल जाता है, यानी कि जो न्यू कारपेंटर है उन्हीं से ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इसमें भी क्या ध्यान में रखना होता है, ये फेविकोल लगाने का होता है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से
इस तरीके से उसको खींचते हैं, तो इस तरीके से जब खींचते हैं तब वो फेविकोल बाहर निकल जाता है। पर दोस्तों इस तरीके से नहीं खींचा जाता है, कभी भी फेविकोल किस तरीके से खींचा जाता है, हमको बीचों बीच फेविकोल डालना है, बीचों बीच यानी कि धार पट्टी के पास में कहीं पर भी फेविकोल नहीं डालना है। यहाँ पर हम इस तरीके से हमने कहीं पर भी फेविकोल डाला, फिर जब हम फेविकोल लगाते हैं तब इस तरीके से हमको अंदर से बाहर की साइड खींचना है और इसको इस तरीके से क्रॉस रखना है, अंदर से बाहर की साइड खींचना है, चाहे हम इधर खींचे उधर खींचे उधर खींचे उधर खींचे, चारों साइड में हमको अंदर से बाहर की साइड ही खींचे, बाहर यानी ये बाउंड्री इसकी बाहर की साइड हम बोल रहे हैं, और ये अंदर का भाग हमको ऐसे नहीं कि यहाँ से ऐसे करेंगे तो सारा फेविकोल इस साइड नीचे गिर जाएगा, और हम ऐसे करेंगे ऐसे लगाएंगे तो इस साइड नीचे गिर जाएगा, हमको इसको बीच में रखना है और फिर इस तरीके से फेविकोल लगाना है, अंदर से बाहर की साइड, अंदर से बाहर की साइड इस तरीके से हमको फेविकोल लगाना है, तो बिल्कुल भी फेविकोल बाहर नहीं निकलेगा। मैं यहाँ पर आपको लगा के भी दिखाने वाला हूँ। हमने ये फेविकोल यहाँ पर डाला, अब हमको क्या करना है, ये इस तरीके से, ये अभी कंघा थोड़ा खराब है तो आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पर शायद ये लग रहा होगा ये सब क्या है, तो आपको इस तरीके से अंदर से बाहर की साइड फेविकोल को लेना है। अगर ज्यादा फेविकोल आपके हो तो इधर आप पहुंच सकते हो, ऐसे पहुंच के फिर लेना है। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से फेविकोल यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये अंदर से आपको इस तरीके से बाहर की साइड में फेविकोल लगाना है। कुछ इस तरीके से फेविकोल लगाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं पर भी यहाँ पर ये फेविकोल जो है बाहर नहीं निकला है। अगर हम इसी फेविकोल को जैसे कि आप लगाते हो या फिर कोई नया बंदा होता है वो लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं इस तरीके से करते हैं, तो इस प्रॉब्लम में ये वाली प्रॉब्लम आती है, इस सिचुएशन में ये वाली प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हो कि इतना सारा फेविकोल यहाँ पर बाहर निकल चुका है। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया है आपको उसी तरीके से फेविकोल लगाना है अंदर से बाहर की ओर, तो आपका जो फेविकोल है वह बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। सो गाइस, जैसे अभी आप एपिसोड 2-3 ये देख रहे हो, तीसरा और ये चौथा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब मैं क्या दिखा रहा हूँ, फेविकोल पिछले वीडियो में बताया था, मेजर टेप, मेजर तो फिर भी इम्पोर्टेंट, बट ये फेविकोल, तो आपने अगर वीडियो को पूरा देखा तो आपको पता चल गया होगा कि फेविकोल लगाना भी एक इम्पोर्टेंट काम होता है, एक काफी, मतलब अगर आप फेविकोल लगाना सीख जाते हो तो आपकी मान लीजिए कि 200-250 रुपए आपकी लेबर है पर डे यानी कि हाजिरी, तो वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फेविकोल लगाना है कि आप यानी कि आप दरवाजे चिपका सकते हो, बॉर्डर धार पट्टी लगा सकते हो, इतना कुछ, मतलब अगर आप काम करने लग जाते हो तो आप 250-300 वाले आदमी नहीं हो आप, यह बात समझ लीजिए। तो इस वीडियो को अगर आप देखने बाद आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो आप जिस भी हाजिरी में भी जा रहे हो, जैसे 200-250 में जा रहे हो, तो इससे आपकी बढ़ ही जाने वाली है। दोस्तों अगर आप न्यू कारपेंटर हो बट आपको ये सब भी आते हैं तो आप इन एपिसोड को स्किप भी कर सकते हो, इसके बाद वाला एपिसोड आएगा वो हीटेक्स के ऊपर आएगा, क्योंकि हीटेक्स लगाने की भी एक कला होती है, क्योंकि मैंने एक बंदे को बुलाया था और उसने हीटेक्स लगाया, तो मैंने वो गया दूसरे दिन, जब मैंने हीटेक्स जहां जहां पर वहां पर लगाया था वो पट्टी खींची तो पूरी की पूरी पट्टी ही हाथ में आ गई। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों हुई, जबकि वह तो मिस्त्री था, यानी कि मिस्त्री नहीं था बट अच्छा खासा तो वह बंदा था ही, फिर भी उनसे ये प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे वो प्रॉब्लम फेस हुई, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हीटेक्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूं। तो इसी सीरीज का लगभग एपिसोड 5 जो होगा वो हम हीटेक्स के ऊपर ही रखने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।